तो हटा के देख लो भाई साहब, ये है ये जंगली जानवर का कमाल है। अब बाप रे, एवरीवन, एक और नई वीडियो पे बंदा हाजिर है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, हम लोगों का ना जैसे कि हम पहले एक बात बोला था कि 10K में एक स्पेशल वीडियो होम टूर वीडियो भाई का होगा बोल के ना, तो 10K हम लोगों का मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं है, होने ही वाला है। तो वीडियो पे जो जो नया देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोगों का ये चैनल में हम लोग नेचर से रिलेटेड ताबड़तोड़ वीडियो डालते ही रहते हैं। सो हाँ, हम लोगों का आज का वीडियो क्या रहने वाला है, हम लोगों का यहाँ का एक जंगली फ्रूट्स होता है ना, उसका हम लोग ढूंढने जाएगा, तो मिलते कि नहीं देखते हैं। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होगा वीडियो पे, सो वीडियो को हो सकने से अंत तक बने रहने। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, अंदर में एक रेड वाला स्नेक है ना, लिटरली अभी मेरा छाती निकलने लगा था, कहाँ पे गया? ओ भाई, मेरा पाव का लिटरली बहुत सामने में था, अंदर भी होगा। सो ऐसा स्नेक हम कभी नहीं दिखा यार, बहुत ही ज़्यादा यूनिक वाला स्नेक था। मेरा पाव का इतना उसका महसूस किया है। ओ भाई, दिल इतना तेजी से धड़क रहा है मेरा ना, अंदर में छुपा होगा। तो यहाँ से हम चल के आ रहा था, यही कहीं कहीं से मेरा ये जो यहाँ पे टच किया, तो कहाँ पे चला गया, अंदर पे चला गया कहीं पे, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं दिखा पाए। तो सांप को अभी उसका रास्ता जाने दो ना, तो हम लोग अपना रास्ता जाते हैं। धूप निकालने से अभी ना स्नेक लोग भी खाना का तलाश में निकलेगा, और अपना जो स्किन होता है ना, स्किन को चेंज करने के लिए निकलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। तो हमको अभी एक बहुत मज़ेदार चीज़ दिख गया, ये वाला जो पत्ता देख रहे हैं ना, अपना बचपन में इसे बहुत खेला करता था। इसका क्या चीज़ में हम लोग खेला जाता था बोलने से, इसका ना अंदर में जब निकालते हैं तो ये वाला में एक फल है, कई लोगों को मालूम भी होगा, तो एक फल है यहाँ पे, तो और भी दुनिया कुछ बोलते, यहाँ पे भी होगा। हाँ, यहाँ पे भी है। ओ, यहाँ पे तो बहुत सारा है, तो यहाँ पे बहुत सारा है। तो ये है, इसको साफ कर लेने, इसको हम लोग ना इसमें एक पानी होता है, और देख सकते हैं, तो पानी कुमड़ा का नाम से हम लोग जाना जाता था। ओह, बहुत ज़्यादा यादगार होता है ये सब चीज़ जब देखते हैं वापस, तो दोस्त लोग को भी बहुत याद आते हैं, तो दोस्त लोग हम लोग किन किन दोस्त लोग के पास हम लोग रहता था वो कि ना। वाला जो नारियल जैसा वाला पेड़ देख रहे हैं, वो पेड़ का फल को हम लोग आज तलाश कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है उसका फल, जो बहुत पुली की बात में आगे मिल जाए। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग को एक फल मिल चुका है, तो वहाँ पे, लेकिन ये वाला छोटा है ना, बट पका है ये वाला, लकीली हम लोगों का किस्मत अच्छा है, एक पका वाला दिख गया, तो उसको अभी जाके देखते हैं सामने से। पाइनएप्पल और जैक फ्रूट का कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोगों का यहाँ का लोकल में ताको बोलते हैं, ऐसा लोकल में बोला जाता है। हमने जाके इसको तोड़ के जाके दिखाते हैं कितना ज़रा इंटरेस्टिंग है ये एक्चुअली में। तो वहाँ पे हम लोग काट दिए गए, वहाँ पे है फल, जो झाड़ियों के अंदर में संभाल के देखना पड़ता है वो भाई, कीड़ा मकोड़ा जहरीला स्नेक भी हो सकते हैं। इसका ये पत्ता ना बहुत ज़रा नुकीला होता है इसका, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत जोर का काट सकते हैं। तो वहाँ पे फल का ऑरेंज कलर का ये फल ना, ये बढ़िया से पक चुका है और तरीका काटा, तो इधर पर है
तो हटा के देख लो भाई साहब, ये है ये वाला फल को कोई कोई जानता होगा, कोई कोई नहीं भी जानता होगा, तो जो जो जानता है ना कमेंट कर सकते हैं। इसको पहले देखा है कि नहीं, तो इसको कोई भाई पत्थर है, पत्थर को हम लिटरली सांप कीड़ा है क्या बोल के दिखाए, तो पहले स्टिल मेरा दिमाग में ही है उसका इमेज स्नेक का, तो इसको हटा लेते। वाह बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा। वाओ तो मेरा मत्ता का साइज़ इसको मिला के देख सकते हैं, बिल्कुल मेरा सर का जैसे। सो ये वाला तो छोटा है ना, इसका जो बड़ा पेड़ होता है इससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है फल जो। तो गाइस यहाँ हम किस तरह से इसका छील दिए, इसका ये जो नुकीला काटा है ना, तो अंदर का देख सकते किस तरह से है इसका, इसका ऊपर का ये जो काटा बहुत नुकीला है, इसको छील दिए तो ये वाइट पर्सन को इसको खाता है। इसको इस तरह से नहीं खाने से ना क्या होता है कि इसका सेटिस्फाई नहीं होता है इसका, क्योंकि ये खाने ला बाहर का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा कम होता है। सो इसके लिए इसका हमने पूरा छील दिया, इसका सेटिस्फाई के लिए इस टाइप से हम खा रहे हैं। पाइनएप्पल जैसा देख सकते हैं देखने में ना, लेकिन पाइनएप्पल थोड़ा खट्टा होता है, ये बिल्कुल मीठा, पूरा मीठा है। सो इसका ना ये जो क्या होता है ये वाला, ये देख सकते हैं, तो ये वाला बीच के अंदर में बहुत ही हार्ड वाला एक नारियल जैसा वाला वाइट पर्सन करके होता है, सो उसी ने खाना होता है और उसके लिए इसको जाना जाता है, बिल्कुल नारियल जैसा होता है, बिल्कुल ऑयली होता है। तो चलिए उसको काट के अभी खा के दिखाते हैं। सो ये अंदर का ये व्हाइट वाला पर्सन जो देख रहे हैं ना, बाहर बहुत ज़्यादा सख्त है इसका ये ना, तो इसमें देख सकते खाने लायक इतना नहीं आता है, बहुत ज़्यादा कमती होता है पर्सन। सो अंदर का इसका ये वाला पर्सन के लिए इसको जाना जाता है, जो कि हम लोगों का लोकल में इसको ताको बोलते हैं। तो ये है इसका खाने वाला हिस्सा, तो बड़ा होने से अंदर का हिस्सा भी बड़ा होता है खाने लायक, ये तो पक्का है। इसके लिए अंदर का हिस्सा निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना, स्लीप है तो बाहर का कब खाया जाता है बोलने से, जब इसका ये बाहर का कुछ से पेड़ से गिर के सूखने का बाद ना ये बाहर का ये जो इसका स्लिप स्लिप वाला फल लुक ना पुराना हो जाता है, पक के ना सड़ के ये लोग हट जाते, तो ये सख्त वाला हिस्सा इसका रह जाता है फल ना, नट जैसा ये बन जाता है। सो वो सख्त वाला हिस्सा जो क्या होता है स्लिप नहीं आते, तो तब उसको फोड़ के इकट्ठा करके खाया जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, ऑयली होता है इसका। अंदर का हिस्सा हमको स्पेशली ज़्यादा पसंद लगता है इसका ना, बाहर का हिस्सा का कंपेयर में। तो इसको यहाँ पे रहने दो ना, फिर कभी दिन वो जब तैयार हो जाएगा तब इसको हम लोग वापस से आके देख लेगा। गाइस ये जो देख रहे हैं ये जंगली जानवर का कमाल है, अब बाप रे कितना सारा इकट्ठा किया है एक जगह में, बहुत सारा यहाँ में खाने लायक। ये हम लोग बली वाला में बोलते हैं जो खट्टा होता है ये फल ना, मेरे एक वीडियो पे इसका फल को दिखाया था ना कैसा होता है और इसका टेस्ट कैसा होता है ना, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देगा, इसको जो नहीं दिखे जाके देख लो। तो यहाँ पे तो कोई कोई तो ये देख सकते हैं ये भी निकलने भी लग रहा है पेड़, पेड़ जो ऊपर पे होगा, हाँ वो ऊपर पे इसका पेड़ वहाँ पे, ये पेड़ का पीछे पे पत्ता झड़ चुका है हालांकि, और देखा है नहीं दे रहे, वैसे इसका सीजन नहीं है, सीजन जा चुका है, तो अभी ऊपर की ओर बढ़ना पड़ेगा। गाइस हम लोग वो जहाँ में आप उजाला देख रहे हैं ना, वो उजाला वाला जगह से हम लोग ये साइड में आ चुका है, बीच में एक छोटा सा नदी है, नदी क्रॉस करके हम लोग इस साइड पहुंच चुके हैं। लाल लाल रेड रेड है उसका ट्री, अभी यहाँ से देख के मालूम चल रहा है उसका पत्ता रेड रेड हो गया। सो गाइस वहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता छत्ता है ना, नहीं समझ में नहीं आ रहा हम एक्चुअली। सो वो जो देख रहे हैं ना, जो लटक के बैठ रहे हो टहनी के नीचे पे,
मधुमक्खी था मीठा वाला रस वाला ना, सो वो जो मधुमक्खी उसको छोड़ के जा चुका है। सो ऐसे ही अभी लग रहा था ना, अभी का समय मधुमक्खी रस वाला, क्योंकि वो लोग यूजुअली अभी का समय ना ये लोग पेड़ों पे नहीं रहते, ये लोग थोड़ा जमीन का ना पेड़ों का नीचे साइड में रहते। हालांकि जब समर मीट अगस्त आ जाएगा ना, अगस्त का दौरान तो ये लोग क्या होता है, ये गर्मी का वजह से ये लोग ऊँचा जहाँ पे हवा होता है तो उसमें वो लोग इस तरह से इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं। तो रस वाला मिलने से ना नीचे में ना हम लोग उसको करना था, बट जाने दो ये तो खाली वाला है। तो गाइस हम लोग घना जंगलों का अंदर से बाहर आ चुका है, तो जंगलों का बीच संभाल के डर डर के चल रहा था क्योंकि सांपों का खतरा होता है ना। और गाइस वैसे मौसम खुल चुका है, अभी आने वाला वीडियो शायद हम लोग का फिशिंग वीडियो रहने लगा है, काफ़ी लोग फिशिंग वीडियो डिमांड कर रहा था, सो आने वाला वीडियो फिशिंग वीडियो रहने वाला है। सो हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहना है आने वाला वीडियो के लिए। सो आज का वीडियो वैसे बस इतना ही था, सो होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया हो। तब के लिए अपना ख्याल रखिए, हेल्दी फिट रहिए, सभी को गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।